मौसम बदल चुका था। गर्मी के बाद अब ठंड का मौसम शुरू हो रहा था। सभी पक्षी ठंड की तैयारियों में लगे हुए थे। उसी जंगल में कबूतर और कबूतरी भी रहते थे, जिन्होंने अपने घर के पास ही एक स्टॉल लगा रखा था, जिस पर उन्होंने पक्षियों के लिए रंग बिरंगी टोपियाँ रखी हुई थी। लूसी, आवाज लगाओ आवाज, अगर आवाज लगाओगी तो ग्राहक आएंगे। रंग बिरंगी टोपियाँ ले, रंग बिरंगी टोपियाँ, पहले आए पहले पाए, ठंड से बचने का सामान ले जाए। फिर लूसी कबूतरी ऐसे आवाज लगाती है, कबूतर ये क्या बेच रहे हो तुम? ये टोपियाँ हैं, ठंड के मौसम में इन्हें सर पर पहन लेते हैं, पक्षी ठंड से बचते हैं। अच्छा, फिर तो मैं भी ये टोपी लूँगा। कितने में मिलेगी एक टोपी? केवल 20 रुपए। 20 रुपए में ठंड से बचें। ये ले लूसी बहन, 20 रुपए, और मुझे वो लाल रंग की टोपी दे दे। नहीं नहीं तोते भैया, वो लाल टोपी तो चिड़िया ने अपने बेटे के लिए ऑर्डर पर मंगवाई है, आप किसी और रंग की ले लें। फिर तोता दूसरे रंग की टोपी लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा चले, कबूतर अंकल मेरी लाल रंग की टोपी ले आए होंगे। बेटा, एक तो आप जिद बहुत करते हो, चाहते हैं अभी तो मुझे नदी पर भी जाना है। नहीं मम्मा, अभी चले। चिड़िया का बेटा कुकू बहुत जिद्दी था, वो अपनी मम्मा से जो भी बात कहता वो पूरी करवाता। चलो भाई, मुझे पता है जो आप कहते हो हमेशा पूरा करते हो, अगर ना गई तो अभी आप रोने लग जाओगे। फिर कुकू अपनी मम्मा के साथ कबूतर अंकल से अपनी लाल रंग की टोपी लेने चला जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे भी टोपी लेनी है। सभी छोटे और बड़े पक्षी कबूतर अंकल की दुकान से टोपियाँ खरीद रहे हैं। सुनिए जी जग्गू के पापा, जग्गू कल से जिद कर रहा है इसे कबूतर की दुकान से टोपी ही ले दें। मेरा जग्गू, मेरा बेटा, जो मांगेगा मैं ले दूंगा अपने चांद जैसे बेटे को। कव्वा और कव्वी अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करते थे, क्योंकि वो कर सकते थे, वो अमीर कव्वे जो थे। जग्गू अपने मम्मा और पापा के साथ कबूतर की दुकान से नई टोपी लेने जाता है। वहाँ चिड़िया और उसका बेटा कुकू भी आए हुए थे। कबूतर कबूतर, पहले हमें टोपी दे दे, हमें जल्दी है, मुझे कहीं जाना है। चिड़िया बहन आप बैठें, पहले मैं गौरी बहन को टोपियाँ दिखा दूँ। मम्मा, वो सामने वाली हरे रंग की टोपी ले दे मुझे। हरे रंग की टोपी? मैंने तो अपने लिए वो सामने वाली लाल रंग की टोपी मंगवाई है कबूतर अंकल से। नहीं नहीं पापा, मैं भूल गया, मैं तो वो लाल रंग की टोपी ही लूंगा। तो लाल रंग की ले ले मेरा बेटा। ओए कबूतर, वो लाल रंग की टोपी निकालो, वो कितने की मिलेगी? नहीं यार कालू, वो टोपी तो मैं खास चिड़िया के बेटे के लिए लेकर आया हूँ, ऑर्डर पर मंगवाई है चिड़िया ने। कालू भैया, आप जग्गू को हरे रंग की टोपी ही ले दें, जग्गू का रंग काला है, हरे रंग की टोपी अपने जग्गू के बहुत सुंदर लगेगी। नहीं, मैं तो वो लाल रंग की टोपी ही लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। ओए कबूतर, कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो, ये लो 50 रुपए, और जल्दी से हमें वो लाल टोपी दे दो। 20 की जगह 50 रुपए सुनकर तो कबूतर और उसकी पत्नी लालच में आ जाते हैं। फिर कबूतर वो लाल रंग की टोपी जग्गू को दे देता है। देखो कुकू, पैसे का कमाल, मेरे पापा ने मुझे ले दी ना तुम्हारे वाली टोपी। कव्वा और कव्वी अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर भैया, अच्छा नहीं किया आपने, ये टोपी तो मेरे बेटे की थी। चिड़िया बहन, अगर मैं ना भी देता तो वो छीन कर ले जाते, आपको तो पता है गौरी का, वो अपनी जिद पूरी करती है। कुकु बेटा, अब आप कोई और रंग देख लो। नहीं, मैं वही लाल टोपी लूंगा। ऐसा कहते हुए कुकू रोने लग जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रुको रुको कुकू, बेटा रुको तो,
कुकू अपने मामा की कोई बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। ये मेरा बेटा भी बहुत जिद्दी है। कुकू सीधा नदी पर जाता है और वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। जग्गू भी अपनी लाल टोपी पहनकर वहाँ आ जाता है। कुकू देखो तो मैं कैसा लग रहा हूँ। कुकू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। जग्गू फिर से कुकू से कहता है, जैसे मैं जिद करके अपनी मम्मा से हर बात मनवा लेता हूँ, ऐसे ही तुम करो। रात को घर ना जाना, अपनी मम्मा से बात ना करना, अपनी मम्मा को तंग करना, फिर देखना तुम्हारी मम्मा कहीं से भी तुम्हें मेरी तरह की लाल रंग की टोपी ला कर देगी। क्या ऐसा करने से मम्मा मुझे भी कहीं से ऐसी टोपी ढूंढ कर ला देंगी? तुम ऐसा करो, आज रात अपने घर ही ना जाओ, फिर देखना कैसे आपकी मम्मा हर बात मानती है। जग्गू कुकू को ऐसी उल्टी सीधी बातें समझाकर वहाँ से चला जाता है। मैं मम्मा से नहीं बोलूँगा जब तक मम्मा मुझे वो लाल रंग की टोपी नहीं लेकर देंगी। मैं घर नहीं जाऊँगा। ऐसा सोचते हुए कुकू बुलबुल के घर चला जाता है। कुकू की मम्मा अपने बेटे को पूरे जंगल में ढूंढती है। कुकू तो नदी पर भी नहीं है, ये कुकू कहाँ चला गया? मैं कैसे उसे समझाऊं कि ऐसे मम्मा को तंग नहीं करते? चिड़िया बैठे रो रही थी। मम्मा मम्मा, आज कुकू घर नहीं जाएगा। मैंने कुकू से कहा कि अपनी मम्मा को तंग करो और रात घर ना जाओ, फिर तुम्हारी मम्मा तुम्हें लाल टोपी लेकर देगी। वाह जग्गू, तुम तो अभी से सारे काम अपनी मम्मा वाले करने लगे हो, फिर तो आज वो छोटी चिड़िया बहुत परेशान होगी। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढकर थक जाती है और फिर वो थक हार कर अपने घर चली जाती है और घर जाकर रोती रहती है। कुकू बेटा, आप अकेले क्यों आए हो? आपकी मम्मा कहाँ है? आंटी, मम्मा नानों के पास गई हुई है और मुझे मम्मा ने कहा था कि मैं आपके पास सो जाऊं रात को। कुकू ऐसे झूठ बोलता है, वो तो अपनी मम्मा को तंग कर रहा था। फिर कुकू लाल रंग की टोपी के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। दूसरी तरफ उसकी मम्मा को तेज बुखार हो जाता है। वो अपने बेटे को याद करके रो ही जा रही थी। मेरे बेटे, क्यों अपनी मम्मा को इतना तंग करते हो? घर आ जाओ बेटा, आपकी मम्मा बहुत परेशान है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। अब मैं घर जाता हूँ, मम्मा अब तो मुझे मेरी पसंद की टोपी लेकर ही देंगी। कुकू जब घर आता है तो उसकी मम्मा घोंसले में बेहोश पड़ी थी, जिसे देख कुकू तो डर जाता है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा, आपको क्या हुआ है? मम्मा बोले ना, प्लीज मम्मा बोले। कुकू ऐसे जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा प्लीज मम्मा, मुझे जग्गू ने ऐसे आपको तंग करने को कहा था। मम्मा मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दो मम्मा। अपने बेटे की आवाज सुनकर कुकू की मम्मा को थोड़ा सा होश आता है। कुकू मेरे बेटे, आप कहाँ थे? आपकी मम्मा बहुत रोई, अगर आप घर न आते मैं तो मर ही जाती। मम्मा मुझे माफ कर दे, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा। मैं भूल गया था, मैं जग्गू के कहने पर लग गया था। फिर कुकू अपनी माँ को कभी ना तंग करने का वादा करता है और वो माँ बेटा खुशी खुशी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने माता पिता का हर कहना माना करो और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि अगर हम उन्हें खुश रखेंगे तो हम भी हमेशा खुशी रहेंगे।